स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको लिंग के बारे में समझाया था। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो मैंने लिंग की परिभाषा आपको बताई थी और लिंग के भेद भी बताए थे। लिंग के कितने भेद बताए थे मैंने आपको, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कौन से होते थे, जो पुल्लिंग वो होते हैं जिनमें लड़का यानी पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, जिनमें लड़की यानी स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आपको वही दूंगी होमवर्क में, आपको लिंग मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है, फिर आप उसको असाइनमेंट में करके देंगे मुझे। तो लिंग, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए, आपको इनके लिंग लिखने हैं। मतलब जैसे शेर, शेर कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो शेर पुल्लिंग में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे पुल्लिंग, ठीक है। हिरनी, हिरनी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो हिरनी, हिरनी है स्त्रीलिंग। ऐसे ही आप आगे के भी करेंगे, नर कौन सा लिंग है वो आपको लिखना है, तो नर पुल्लिंग होता है। अध्यापिका, अध्यापिका स्त्री में आती है यानी कि लड़की, तो आप उसका यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। छात्रा, छात्रा है वो भी स्त्रीलिंग में आती है, तो आप यहाँ स्त्रीलिंग लिखेंगे। हाथी, हाथी कौन सा लिंग में आता है, पुल्लिंग, तो आप यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। मुर्गा, मुर्गा कौन सी लिंग में आता है, पुल्लिंग, तो आप यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। रानी, रानी कौन सी लिंग में आती है, स्त्रीलिंग, तो आप यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। मोर कौन सी लिंग में आता है, पुल्लिंग, तो आप यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे। बकरी कौन सी लिंग में आती है, स्त्रीलिंग, तो आप यहाँ स्त्रीलिंग लिखेंगे। आपको ऐसे ही मैंने आपको 2 करके दिखाए हैं, आपको पूरे 10 करने हैं, 3 से लेके 10 तक पूरे करने हैं आपको। आप बहुत अच्छी राइटिंग में करेंगे और जिस तरह से ये वर्ड लिखे हुए हैं, लेटर मतलब ये शब्द बने हुए हैं, आपको वैसे ही लिखने हैं। गलत बिल्कुल ना लिखें, बिल्कुल साफ वर्क करके दें। ओके।